साल्ट एंड पेपर की रेसिपी। इसको आप अपने घर में बहुत अच्छे से बहुत टेस्टी तरीके से बना सकते हैं। और ये जो मैं बनाऊंगी, आप जो ये आज मैं रेसिपी बनाऊंगी, थोड़ा सा चाइनीज स्टाइल में बनाऊंगी। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। उसके लिए सबसे पहले हमें चाहिए कॉर्न। तो देखिए, मैंने स्वीट कॉर्न ले लिया है और कॉर्न में जो मैंने फ्रीजर में रखा था तो उसमें थोड़ा सा पानी पानी सो जाता है, बर्फ आ जाती है। तो मैंने पहले इसको वॉश किया है और उसमें से जितना भी पानी है वो सारा निकाल लिया है। तो अब क्या करना है, इसमें हम पहले 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर लेंगे और इसमें हल्का सा डालेंगे नमक। कॉर्न कर देते हैं मिक्स, जो कॉर्न है उनमें अच्छे से कोटिंग हो जाए। ऊपर से नीचे की तरफ आप ऐसे करके सारे कॉर्न को कोट करेंगे। ये देखिए कि पानी ना होने के कारण से कोटिंग जो है बहुत अच्छी हुई है। और अगर पानी होगा तो आपको कॉर्नफ्लोर ज्यादा डालना पड़ेगा और ज्यादा कॉर्नफ्लोर ठीक नहीं होता। तो क्रिस्पी करने के लिए डाला है मैंने सिर्फ, ऐसे करके हम इसे मिक्स कर लेंगे। तो चलिए अब इसको हम फ्राई कर लेते हैं। मैंने एक तरफ ऑयल रख दिया है, ऑयल हमारा हो गया है और ये भी हमारे कॉर्न्स में अच्छे से कोटिंग हो गई है। तो अब हम इसको फ्राई करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, ऑयल तो हमारा अच्छे से गर्म हो गया है और मैंने गैस की फ्लेम को लो कर दिया है। तो पहले मैं एक डाल के देखती हूँ। जो हमारे सारे बॉन्स हैं ये दो बार में फ्राई होते हैं। तो फ्रेंड्स अभी ये हुए नहीं है तो अभी इसे निकालेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये क्रिस्पी होना स्टार्ट हो गए हैं और ऊपर की तरफ आने लग गए हैं। तो आपको करना क्या है, आपको चेक करना है कि क्रंची ये हुए हैं या नहीं। इसके लिए आप क्या करेंगे, एक कॉर्न को एक चम्मच से लेके सिपटे चेक कर लीजिएगा, खा के देख लीजिए, एकदम क्रंची क्रंची सी आपके मुंह में जाते हैं। बहुत टेस्टी इसकी जो टेस्ट आएगा ना, बहुत टेस्टी हो जाएगा मुंह में जाते ही, बहुत टेस्टी लगेगा ये। और वैसे तो मैंने भी चेक किया है, ये हो चुका है। तो मैं सोचू कि एक मिनट और इसे कर लेते हैं, ऑफ करने वाले ना, और इसे हम उतार लेते हैं। वैसे परफेक्ट हो चुका है इस टाइम पे। तो चलिए हम गैस को थोड़ा सा मैं लो कर देती हूँ, फ्राई कर लूँगी। और एक प्लेट में इसको टिश्यू पेपर के ऊपर मैं उतार लूँगी। और मेरे फ्रेंड्स की काफ़ी शिकायत भी रहती है कि इसमें ना ऑयल चला जाता है, बट अगर आप इसको ना तेज आँच पे एकदम से डालेंगे तो इसमें ऑयल बिल्कुल नहीं जाएगा। और जो भी बचे हुए हैं वो सब मैं इसमें डाल देती हूँ। अभी पहले डालते हुए तेज कर लेते हैं गैस को और भी सारे डाल देते हैं इसमें। और इनको भी हम फ्राई कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये भी हो गए हैं, गैस को कर देते हैं हम बंद और इन्हें हम निकाल लेते हैं। काफी फ्रेश भी होके ये ऊपर की तरफ आ गए हैं, निकाल लेते हैं।
इसको थोड़ा सा चाइनीज स्टाइल देने के लिए अब हमने गैस पे पैन रख दिया है, नॉन स्टिक पैन है, और यहाँ मैं गैस को कर दिया ऑन और इसमें मैं डालूंगी 2 चम्मच ऑयल के, और ऑयल को हम थोड़ा सा गर्म होने देते हैं पहले थोड़ा सा, और उसके बाद जैसे ये गर्म हो जाएगा इसको थोड़ा सा तेज कर देते हैं। ऑयल हमारा होने लग गया है गर्म, तो इसमें जो ये है ऑनियन मैं डाल देती हूँ। और ऑनियन को हम थोड़ा सा भून लेते हैं, हल्का सा पिंक करना है इसे हमें, बस ज्यादा इसे डार्क ब्राउन नहीं करना हमें, बहुत हल्का सा 1 से 2 मिनट पकाए थोड़ा सा इसे। जिससे कि जो इसका कच्चा पन है बस वो खत्म हो जाए। प्याज का जो कलर है थोड़ा सा चेंज हो गया है, पिंक हो गया है, तो इसमें मैं यहाँ पे डाल देती हूँ टमाटर बारीक कटे हुए, ज्यादा बारीक भी नहीं है, और इनको हम कर लेते हैं। और इसमें मैं डालूंगी थोड़ा सा धनिया कटा हुआ, थोड़ा सा गरम, और इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा विनेगर 1 चम्मच के करीब, बिल्कुल थोड़ा सा सोया सॉस, और इनको भी कर लेते हैं मिक्स। थोड़े से मिठास के लिए हम डालेंगे सॉस, ये आप अपने, अगर आप इसको स्किप करना चाहते हैं तो आप स्किप कर सकते हैं, इन सबको कर लेते हैं। और इसके बाद जो हमने कॉर्न फ्राई किए थे ना उसको हम इसमें डाल देते हैं, ये देखिए ये सारे कॉर्न इसमें डाल देते हैं, जो ऑयल था वो इसमें आ गया है, और कॉर्न से बिल्कुल भी ऑयल नहीं है, और इसके बाद बहुत हल्का सा, बहुत ही हल्का सा कि हम डालेंगे नमक, वैसे तो इसमें है लेकिन बिल्कुल हल्का सा टेस्ट के लिए, और ब्लैक पेपर, अगर आपके पास पाउडर है तो आप उसे डाल सकते हैं, मैं करके डाल दूँ, ये देखो। और बस अब करना क्या है, बस अब इसको मिक्स कर लेते हैं, बस गैस को हम कर देंगे, ये सबको मिक्स कर लेंगे पहले अच्छे से, और मिक्स होने के बाद अब ये हमारा मिक्स हो गया तो हम गैस को कर देते हैं बंद, और ये जो हमारी क्रिस्पी कॉर्न साल्ट एंड पेपर है बिल्कुल रेडी है बनके। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए, और मैं ऐसे ही नई नई रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी।